हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ और उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। तो गाइस, ये मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पे मेरी सब्जी जो है कट हो रही है। मैं बना रही हूँ आज भिंडी। तो भिंडी की भाजी जो है बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, आप सबको तो पता ही है। तो वहाँ पर मैंने भिंडी काट लिया था और उसके बाद मैं यहाँ पे प्याज भी डालूंगी। कम से कम दो तीन बड़े प्याज मैंने कट कर लिए थे और प्याज के बिना तो भिंडी कुछ अधूरी सी लगती है, टेस्ट भी नहीं आता उतना मुझे बिना प्याज के। तो मैं यहाँ पे बड़े बड़े तो प्याज काट लूँगी और डाल लूँगी। और यहाँ पे देखिए, मेरा काम सुबह सुबह ही मतलब स्टार्ट हो जाता है, ये नाश्ते का काम नहाने वाने के बाद। तो यहाँ पे लगभग 6:15 बजे का टाइम था और बच्चों की चल रही हैं आजकल छुट्टियां, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो बीच में ये 5-10 दिन जो होते हैं वो बच्चों के लिए छुट्टियों के होते हैं, तो हम लोग कहीं नहीं गए, घर में ही हैं और नहीं जा पाए मतलब कहीं भी। तो आप लोगों को पता ही है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो नहीं यहाँ पे। और मैं सब्जी छोंक देती हूँ तो यहाँ पे भिंडी बच्चों की बहुत ज़्यादा पसंदीदा सब्जी है। तो मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, चाहे उनको तीनों टाइम भिंडी ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी नहीं बोलेंगे कुछ और दे दो। तो यहाँ पे मैं बच्चों ने ना रात को ही बोल दिया था कि मैं सुबह नाश्ते में भिंडी चाहिए, और मैं बोली चलो ठीक है भिंडी ही बना देते हैं। और यहाँ पे मैंने साथ में चाय रख दी है और लड्डू गोपाल जी का स्नान वान हो चुका है और बाकी मेरा भी हो चुका है। बच्चे अब लग उठे हैं, मतलब मैं उनको बोल ही रही थी चलो नहा धो लो, फिर उसके बाद यहाँ पे नाश्ता वास्ता बन जाएगा। तो बस मैंने आटा यहाँ पे लगा के रख लिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी जो है मैं लगा रही हूँ तड़का और काफ़ी जल्दी बन जाती है। वो कर्नव जो है सुबह उठते ही मेरे पास आता है, मुझे ढूंढ रहा था मम्मी 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 करके। तो इसको सबसे पहले उठ के बस मुझे मतलब मेरे के ऊपर ही लाड आता है, तो इसको सबसे पहले मैं ही चाहिए होती हूँ। हर बच्चे को होता होगा लेकिन इसका पता नहीं क्या, ये सुबह उठते ही बस मुझे ढूंढता रहता है किचन में या बाथरूम में कहीं भी। तो ये आ गया था किचन में और देख रहा था कैमरा ऑन है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कैमरे के सामने आने में। तो पूछ रहा था क्या बन रहा है, मैंने बोली भिंडी ही बन रही है, तो काफ़ी खुश हो गया था भिंडी देख के तो भिंडी देख के खुश हो गया था। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी चल नहा ले, पानी गर्म है, तो फिर उसके बाद नाश्ता बन जाएगा तो नाश्ता कर लो। तो यही मैं इसको बोल ही रही थी जाओ नहाओ। और यहाँ पे ना मतलब पंजाब में तीन चार दिन इंटरनेट जो है बंद ही रहा था, तो इसी बीच में मैंने ये ब्लॉग बनाया था और जाएगा पता नहीं कब, लेकिन बीच में जो है नेट बंद था किसी प्रॉब्लम के कारण, तो बिल्कुल भी हम लोग नेट जो है यूज़ नहीं कर पाए हैं और मैं वाईटी पे भी अपडेट नहीं हो पाई हूँ। तो ये ब्लॉग मैं आज इवनिंग में इसका एडिटिंग कर रही हूँ और देखिए यहाँ पर मेरी सब्जी बन जाती है और चाय भी पक जाती है। तो उसके बाद मैंने आटा जो है लगा के रख लिया हुआ था पहले ही, मैं थोड़ी देर पहले ही आटा लगा लेती हूँ, जैसे कि रोटी बनाने से पहले आधा घंटा पहले आटा लगा लेती हूँ, उससे क्या होता है काफ़ी अच्छी रोटियाँ बनती हैं, फूली फूली सी और नरम भी। तो यहाँ पे मैं रोटी सेक लेती हूँ फटाफट से। तो बच्चों को होता है कि जब इस भिंडी बनती है तो इसको जल्दी से भूख लग जाती है, तो मैं बोली चलो नहाओ और उसके बाद जो है नाश्ता कर लो। तो बाकी के काम भी बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है सुबह की मॉर्निंग रूटीन जो होती है कितनी बिजी लाइफ होती है। तो यहाँ पे बाकी के साथ मेरे साथ का सारे के सारे काम जो है मेरे पड़े हुए थे, तो मैं सोची पहले नाश्ता वास्ता हो जाए, बाकी का काम तो चलो होता ही रहेगा, और मैं यहाँ पर फटाफट से रोटियाँ जो है सेक लूँगी, तो उसी के बाद बाकी के काम जो है स्टार्ट होते रहेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में और मेरे सिंपल से घरेलू लाइफ ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए आप लोग भी भिंडी के साथ नाश्ता कर लीजिए, चाय भी है, तो बने रहिए ब्लॉग के ऊपर। तो उसके बाद ये है मेरा नाश्ता, बच्चों ने नाश्ता कर लिया था और ये पानी चाय इतनी ज़्यादा ही चाहिए होती है मुझे सुबह सुबह, और नाश्ते के साथ मैं चाय ज़रूर लेती हूँ। तो देखिए कितनी टेस्टी टेस्टी लग रही है भिंडी की सब्जी। तो मैं अभी नाश्ता कर लूँगी, नाश्ता करने के बाद बाकी के काम देखेंगे। तो आइए आप लोग भी, और भूख जल्दी लग जाती है आप लोगों को तो पता, आदत होती है कि जब सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो मैं भी बस उन्हीं के साथ नाश्ता जो है कर लेती हूँ, लेकिन अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तब भी ऐसा ही है मेरा, मैं जल्दी उठ जाती हूँ और नाश्ता भी जल्दी जो है बन जाता है, भूख लग जाती है मुझे। तो यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ,
और उसके बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन क्लीनिंग में। तो सबसे पहले मैं किचन क्लीन कर दूँगी, उसके बीच में ये बाकी के काम जो है होते रहेंगे। तो मैं ये सोच रही थी कि चलो आज अपनी गैस स्टोव जो है अच्छे से क्लीन कर देते हैं। बीच बीच में ऐसे करती हूँ, लेकिन रोज़ नहीं ऐसे करती हूँ, मैं रोज़ अलग तरीके से थोड़ा साफ करती हूँ। तो मैंने आज इसको अच्छे से क्लीन कर दिया था। ये देखिए स्टील वूल के साथ सर्फ़ लगा के जो बर्तन मांजने वाला साबुन होता है ना, उसी के साथ अच्छे से आज मैंने गैस स्टोव को इसकी धुलाई करनी है। तो मैं बोली आज संडे था, शायद संडे का दिन था ये, तो सोची कि चलो कर ही देते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्लीनिंग का काम जो है स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पे मेरी गैस जो है एकदम चमचमा जाती है और क्लीन हो जाती है अच्छे से। तो उसके बाद मैं बाकी का काम जो कर लूँगी, क्योंकि किचन अभी बाकी पड़ा ही हुआ था क्लीन करने वाला। आप लोगों को तो पता ही है किचन में चाहे कितना भी कर लो, किचन का काम कभी ख़त्म नहीं होता। जब भी हम किचन में एंट्री करते हैं, किचन में मतलब कुछ भी बनाते हैं, तो किचन जो है बार बार जो है साफ़ करना ही पड़ता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे जो है फ्लोर साफ़ कर लूँगी, फ्रिज वगैरह साफ़ कर लूँगी, और ये थोड़ा बहुत बर्तन बर्तन के रैक में हाथ लगा दूँगी। और यही सब काम हमारे डेली के होते ही रहते हैं, सबके होते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरा काम स्टार्ट हो चुका था। और उसके बाद हो रही थी यहाँ पे गली में बाइक साइकिल और स्कूटी की धुलाई। तो मैंने बोल दिया था इनको कि भाई तुम लोग ये सब काम ख़त्म कर लो, ये सब धो लो, क्योंकि पिछले दिन दो दिन लगातार बारिश हुआ था। तो बारिश में ये चीज़ें जो गंदी हो गई थी, क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद बाहर निकाल लेते हैं, तो फिर कितना भी बोल लो लेकिन इनको असर नहीं होता है। तो फिर मैंने बोला कि चलो ये सब चीज़ें भी तुम लोग साफ़ कर लो और मैं अंदर का काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बाइक जो है धुल चुकी थी, और बच्चों ने कैसे किया कुछ इस तरह से ही किया था, पर फिर भी चलो अच्छे से हो गया था क्लीन। और ये लोग बस यही काम कर रहे थे, और उसके बाद इन्होंने नहा धोवा लिया था। तो मैंने ये काम बच्चों को दिया था कि तुम लोग कर लो, और अच्छी मतलब अच्छी तरह से कर दिया था। थोड़ा बहुत रह गई थी, तो मैं देख रही थी कि अच्छे से क्लीन हुई है स्कूटी। तो गाइस यहीं पे हम इस ब्लॉग का जो है एंड करते हैं, और मिलेंगे आपसे एक और न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर।